हेलो एस्पिरेंट्स, सो टुडे इज़ द थर्ड लेक्चर इन द सीरीज़ ऑफ छत्तीसगढ़ जीएस। सो टुडे वी विल स्टार्ट द क्लास विद अ वेरी इंस्पायरिंग वर्ड दैट इज़ करेज, CUREG, करेज। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर अ एस्पिरेंट। इफ़ यू हैव द करेज टू बिगिन, यू हैव द करेज टू सक्सीड। ये आपको याद रखना है। अगर आप चालू कर सकते हैं किसी चीज़ को तो अंत करने का भी आपके अंदर हिम्मत है। चलिए गाइज, आज के क्लास में हम लोग दो डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, दो डिस्ट्रिक्ट जिसमें वी विल स्टडी बस्तर एंड देन सुकमा। ठीक है, ये दो डिस्ट्रिक्ट आज कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो बिफोर स्टार्टिंग हमको पता होना चाहिए कि सारे डिस्ट्रिक्ट, बस्तर डिस्ट्रिक्ट पहले था कैसे, द हिस्ट्री ऑफ बस्तर। वी हैव टू नो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ बस्तर। ये जो आप सुंदर सा फॉल देख रहे हैं यही है चित्रकूट फॉल, अप्रॉक्सीमेटली 300 फीट है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखिए कितना सुंदर लगता है ये बरसात के टाइम में, नाइग्रा ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं फिर। बस्तर 1948 में बस्तर डिवीजन जो था वो अकेला एक बस्तर डिस्ट्रिक्ट भी था। ठीक है, तो फर्दर ये टूटता गया और टूटते टूटते अब आज देखते हैं आप कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर एंड सुकमा, ये सब इसी से ही टूट के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बने हैं। चलिए, तो 1948 में जब सिर्फ बस्तर था, फर्दर आप देखेंगे तो ये 1998 में दो डिस्ट्रिक्ट में टूटता है। एक डिस्ट्रिक्ट होता है कांकेर जो हमने कल देख लिया है, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट होता है दंतेवाड़ा, ये हम देखेंगे कल दंतेवाड़ा। ठीक है, फर्दर इन 2007 में फिर ये टूटता है नारायणपुर पे, ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ बस्तर जो था वो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट बनता है, नारायणपुर। एंड ऑन द नॉर्दर्न साइड 2012 में ऑन द नॉर्दर्न साइड यू विल गेट कोंडागांव, जो कोंडागांव हमने कल किया है। तो कोंडागांव और कांकेर खत्म हो चुका है, आज बस्तर और सुकमा खत्म कर देंगे एंड देन हम लोग आएंगे बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर पर। ठीक है, नॉर्दर्न ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है इसमें बस्तर में। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बस्तर को। तो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले बनाएंगे मैप, वी विल ड्रॉ द मैप ऑफ बस्तर, क्योंकि वी आर स्टडिंग थ्रू मैप्स। समाओ बस्तर ऐसा ही दिखता है। चलिए, तो बस्तर में फर्स्ट ऑफ ऑल बस्तर जो है इसमें इंद्रावती नदी फ्लो करती है बस्तर से, तो हम लोग इंद्रावती नदी बना लेते हैं, लाइफलाइन ऑफ बस्तर है ये, लाइफलाइन ऑफ पूरा बस्तर है ये। और यहाँ से जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कोंडागांव से आती हुई नारंगी रिवर, ये यहाँ आके जुड़ जाती है इस पर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, अभी सब लिखते जाएंगे हम लोग। नाउ वी विल मेक द नेशनल हाईवे हम बना लेते हैं, नेशनल हाईवे NH30 से हम लोग कांकेर होते हुए, कोंडागांव होते हुए अब बस्तर एंटर करते हैं उससे। ये आपका नेशनल हाईवे पैरेलल टू नारंगी रिवर आती है, नेशनल हाईवे 30। ठीक है, और इसमें नेशनल हाईवे 63 जो हम लोगों को दंतेवाड़ा लेके जाती है, ये इधर से यहाँ पे जाती है। ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल हाईवे 30 एंड नेशनल हाईवे 63 आपको जगदलपुर मिलता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ पे, ये जगदलपुर, जगदलपुर दैट इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक है, ये आपका इंद्रावती रिवर, ये आपको ये देखिए, मैं सब चीज़ें साथ में बताते जाऊंगा, बाद में बार बार रिपीट भी होंगी, ज़्यादा जितनी बार रिपीट होंगी उतनी बार हमको याद रहेगा। सो इंद्रावती रिवर जो है वो निकलती है मुंगेर पर्वत से, कालीहांडी उड़ीसा से। ठीक है, कालीहांडी उड़ीसा, और ये 264 किलोमीटर ट्रेवल करती है टोटल पे। इसके बाद आप देखेंगे ये नारंगी रिवर, ये NH30, ये NH 63। चलिए, जगदलपुर हेडक्वार्टर हो गया। अब हम देख लेते हैं जो इसमें
बस्तर डिस्ट्रिक्ट में 7 ब्लॉक्स है और 7 तहसील हैं, ठीक है। तो बस्तर इट्सेल्फ यहाँ पे आएगा आपका, एक ब्लॉक और तहसील खुद है। एंड बस्तर एज अ सिटी आप जान सकते हैं कि प्रिंसली स्टेट है, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था ये, प्रिंसली स्टेट, ठीक है। इसके बाद जगदलपुर हो गया आपका, यहाँ दरभा, देन आपको फिर पड़ेगा टोकापाल, टोकापाल फर्दर बस्तानार और ये बकावंड, ये जो है आपके 7 ब्लॉक भी हैं, 7 तहसील भी हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर सिट सेट जगदलपुर, जगदलपुर इज द हेडक्वार्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे फॉल्स देख लेते हैं हम लोग आपका, यहाँ पे आपको चित्रकूट फॉल्स, चित्रकूट फॉल्स, ठीक है, लोहांडी गुड़ा में पड़ता है ये, लोहांडी गुड़ा तहसील है, लोहांडी गुड़ा तहसील में। फर्दर नारंगी रिवर हो गया, बकावंड हो गया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट यहाँ, ठीक है, यहाँ से हम फिर दूसरा रिवर देखते हैं, कांगेर रिवर, जो सबरी में आके जुड़ती है। फर्दर एक और डायग्राम बनाएंगे उसमें मैं आपको क्लियर बताऊंगा, यहाँ पे आप बस बनाते चलिए अभी। यहाँ पे आपको कांगेर वाटरफॉल मिलेगा, कांगेर वाटरफॉल, चलिए। अब इंद्रावती जो रिवर है, इंद्रावती रिवर, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इंद्रावती रिवर जो है जगदलपुर, अब लिखते चलेंगे जगदलपुर ऑन बैंक ऑफ इंद्रावती, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑफ बस्तर, ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ बस्तर। आपको ये पहले बता दिया मैंने, मुंगेर पर्वत कालाहांडी उड़ीसा से ये निकलता है, ठीक है। अब ये कांगेर, कांगेर वाटरफॉल जो है, कांगेर वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे, कांगेर वाटरफॉल जो है इसमें है, कांगेर वाटरफॉल, कांगेर वैली नेशनल पार्क 200 स्क्वायर किलोमीटर, 200 स्क्वायर किलोमीटर बना है ये 1982 में, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, टू रिवर ट्रिब्यूटरी मुंगा बहार, मुंगा बहार दोनों आके कांगेर वैली नेशनल पार्क में मिलते हैं, और जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है वो दोनों उसके जो नदियां हैं कांगेर वैली उनके दोनों के साइड में है। तीरथगढ़ जो वाटरफॉल है, देखिए ये यहाँ मुंगा बहार इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कांगेर रिवर, और यही मुंगा बहार है जिसके ऊपर आपको मुंगा बहार में, मुंगा बहार, ये दो अलग अलग रिवर हैं, ये दोनों के दोनों ट्रिब्यूटरी आप मान के चलिए इसकी, कांगेर की, और इसके साइड साइड में आपको कांगेर नेशनल पार्क पड़ता है, ठीक है। तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़ वाटर फॉल आपको मुंगा बहार के ऊपर पड़ेगा ऑन, ठीक है, या कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर। ये जो है तीरथगढ़ वाटरफॉल इज द सबसे हाइट में ज़्यादा वाटरफॉल जो है छत्तीसगढ़ का यही है, और इसको हाइट में सबसे ज़्यादा है ये, ठीक है। इसके ऊपर इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैजिशियन ऑफ कांगेर घाटी, ओके। सो फर्दर गाइज, वी विल स्टडी अबाउट, वी हैव स्टडीड अबाउट इंद्रावती रिवर, वी हैव स्टडीड अबाउट कांगेर वाटर, कांगेर वाटरफॉल दैट इज कांगेर वैली, मुंगा बहार, तीरथगढ़ वाटरफॉल। फर्दर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हमने 7 तहसील पढ़ ली, 7 ब्लॉक पढ़ लिए, हमने 2 देख लिया, नेशनल हाईवे कौन सी आती है, NH 30, NH 63 आती है, ये देख लिया हमने। इसके बाद हमने नारंगी रिवर आती है देख लिया हमने, इंद्रावती में आगे कॉन्फ्लुएंस करती है, दैट वी हैव सीन। अब हम घाटी देख लेते हैं, घाटी कौन कौन सी है यहाँ पे, दरभा घाटी आप लोगों ने खूब सुना होगा, दरभा घाटी, ठीक है, ये यहाँ पे आपको दरभा घाटी पड़ेगा, एंड इट इज फेमस फॉर अबरक,
ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर अबरक। फर्दर अब हम लोग आगे देखते हैं तो यहाँ पे कुटुम्बसर केव है, कुटुम्बसर केव। डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट केव ऑफ छत्तीसगढ़। यहाँ आपको ब्लाइंड फिश मिलती है, शंकरी फिश, ठीक है। इसके बाद कैलाश केव इज देयर, कुटुम्बसर एंड कैलाश दो हो गए, बोथ दोनों के दोनों के, अब ये दोनों के दोनों जो केव हैं ये बोथ वर फाउंड एट 1951 बाय प्रोफेसर शंकर तिवारी जी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कुटुम्बसर केव डीपेस्ट है, लॉन्गेस्ट है, ब्लाइंड फिश कहाँ मिलती है, किसने फाउंड किया है कैलाश एंड दिस बोथ केव्स को, इन दोनों केव्स का एक बहुत ही डिस्टिंक्ट वो है, क्या प्रॉपर्टी है जैसे बोल सकते हैं आपकी, लाइम स्टोन के स्टेलेगमाइट्स मिलते हैं। आपको पता होगा ना, जैसे ये केव है तो ऐसा स्टेलेगमाइट एंड स्टेलेसाइट्स बनते हैं, आपको पता होगा, लाइम स्टोन के। होता कुछ नहीं है, ये जो है यहाँ पे केव से पानी जो होता है रिश्ता है, और इट इज़ हैविंग द मिनरल ऑफ लाइम स्टोन। अगर लाइम स्टोन मिनरल है और ये काफ़ी सालों से बूंद 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 गिर रहा है, तो जो बूंद गिर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे धीरे 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 स्टेलेक माइट्स बनते जाते हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर से भी जब आता है तो स्टेलेक साइट्स बनते जाते हैं, और एट द एंड एक टाइम आता है दोनों के दोनों यहाँ पे जुड़ जाते हैं और ये एक पिलर के टाइप बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर विच वी आर हैविंग एट कुटुम्बसर एंड कैलाश गुफा, कैलाश केव, ठीक है, फाउंड बाई प्रोफेसर शंकरी तिवारी इन 1951। ओके, सो फर्दर हम लोग देखते हैं मैप एक बार और फिर से बना लेंगे, दिस मैप हैज बिन हॉश पॉश हो गया बहुत ज़्यादा। चलिए थोड़ा सा एक बार और मैप बना लेते हैं, छोटा सा रफ में बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग रिवर बना लेते हैं, दोनों हाईवे बना लेते हैं, NH-63 NH-30, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, अब हम लोग फर्दर आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सो गाइज, अब इसमें हम लोगों ने ये देख लिया था नारंगी, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार याद रहेगा आपको, इंद्रावती, ठीक है, ये यहाँ से आई थी कालाहांडी से, ठीक है, एंड दिस इज नेशनल हाईवे 30, दिस इज नेशनल हाईवे 63, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या, यहाँ पे एक आप पढ़ लीजिए, लामनी ये बर्ड सेंचुरी है, भैंसा दरहा ये आपका क्रोकोडाइल कंजर्वेशन साइट है, क्रोकोडाइल मगर बोलते ना, मगरमच्छ कंजर्वेशन साइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। यहाँ पे आपको जहाँ पे नारंगी रिवर और सबरी इंद्रावती मिलती है, यहाँ पे आपको NMDC नगर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको और जो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ पे नारंगी रिवर जो ऊपर आ रही है कुंडा गांव से, और ये जो सब इंद्रावती रिवर जो आंध्र प्रदेश से आ रही है, ये आपका दोनों के दोनों आके मिलते हैं नारायण पाल पे। ये क्वेश्चन पे आता है नारायण पाल, यहाँ पे फर्दर आप लिखेंगे 1111 AD में, ठीक है। सोमेश्वर देव छिंदक नाग राजा थे, उन्होंने यहाँ पे विष्णु टेम्पल बनवाया था, ठीक है, टेम्पल बनवाया था, और यहाँ भद्रकाली टेम्पल भी है, भद्रकाली टेम्पल, ठीक है। भद्रकाली टेम्पल किसने बनवाया था, सोमेश्वर देव ऑफ छिंदक नाग राजा किंग, छिंदक नाग डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, जगदलपुर हमने ऊपर देख लिया था। अब देखिए हम डिफाइन करते जाएंगे यहाँ पे, हाँ चित्रकूट वाटरफॉल्स के बारे में बताने हैं हमने, चित्रकूट वाटरफॉल्स
चित्रकूट वाटरफॉल्स का बहुत ही डिस्टिंक्ट एक फीचर है जो कि इट चेंजेस कलर विथ डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स। ये यू शेप में है, ठीक है, चेंजेस कलर। अगर क्वेश्चन ने पूछ देता है कि कौन सा चेंज करता है कलर वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में, तो चित्रकूट वाटरफॉल आएगा आपका, ठीक है। यू शेप्ड है ये, यू शेप्ड, ऐसे देखेंगे आप तो ऐसे यू शेप्ड दिखता है ये, ऐसा वाटरफॉल गिर रहा है। दिस इज अ यू शेप्ड 300 फीट का वाटरफॉल है, 300 फीट का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइग्रा, नाइग्रा यू शेप, ऑल्सो कॉल्ड एज नाइग्रा ऑफ इंडिया, ठीक है। फर्दर हम लोगों ने लोमनी देख लिया, भैंसा दरहा देख लिया हम लोगों ने, अब यहाँ पे हाँ सबरी रिवर देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे आपके सबरी रिवर आएगी, ये जो मैंने बताया था ना कांगेर जो रिवर है, कांगेर रिवर इज इट्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ सबरी रिवर, एंड मुंगा बहार इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कांगेर रिवर। जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है वो मुंगा बहार के ऊपर है, तो मुंगा बहार के ऊपर तीरथगढ़ है, फिर मुंगा बहार जब आके मिलती है कांगेर वाटरफॉल पे, तो कांगेर रिवर पे सो कांगेर रिवर के दोनों ही साइड, जो बोथ द साइड ऑफ कांगेर रिवर इज वॉट वी कॉल्ड एज कांगेर नेशनल पार्क, ठीक है। कांगेर नेशनल पार्क विच इज 200 स्क्वायर फीट लॉन्ग हमने बताया, एंड फर्दर जो कांगेर वाटरफॉल है, कांगेर रिवर है, वो फर्दर जाके आगे मिल जाती है किसमें, आपके सबरी रिवर पे जाके मिल जाती है। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे ऐसा होगा, ये सबरी हो गई, सबरी पे आती है कांगेर, और कांगेर के ऊपर कांगेर की ट्रिब्यूटरी है मुंगा एंड बहार, ये भी अलग अलग दो नदियां हैं, ठीक है, एक ही नदी है ऐसा मत सोचिएगा। तो फर्दर हम लोग अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं विद द ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जैसे जगदलपुर के बारे में आप लिखते चलिए, जगदलपुर है कहाँ ये तो आपने मैप में देख लिया। अब क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन कम से कम बनते हैं जगदलपुर से। इट इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया ये, सिटी ऑफ स्क्वायर बोला जाता है इसको, सिटी ऑफ स्क्वायर किसने बसाया था ये, रुद्रा प्रताप देव। इट इज अ नगर निगम, छत्तीसगढ़ में कितने नगर निगम है आप कमेंट में बताएंगे, टोटल नगर निगम 14, ठीक है, 14 नगर निगम है, उनमें से एक नगर निगम भी है ये, अभी सपीरा साहू जी है यहाँ के, यहाँ से महापौर। GEC जगदलपुर, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नाम चेंज हुआ है इसका, झाड़ा सिरहा, अब ये झाड़ा सिरहा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहलाता है, झाड़ा सिरहा, ठीक है। यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज ऑफ जगदलपुर इज़ वेरी फेमस, बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, इसका भी नाम चेंज हुआ है अभी, बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज हो चुका है ये, बलीराम कश्यप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बलीराम कश्यप। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, तब आप घूम जाएंगे, झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है, ठीक है। बस्तर यूनिवर्सिटी, अब जो हमारे छत्तीसगढ़ के पॉलिटिशियन थे जिनका झीरम घाटी में जिनकी हत्या हो गई थी, उनके नाम पर रख दिया गया है अब इसको, बस्तर यूनिवर्सिटी जो हुआ करती थी इसको अब महेंद्र कर्मा, शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है, शहीद महेंद्र कर्मा, ओके। देयर इन जगदलपुर वी आर ऑल्सो हैविंग ह्यूमन म्यूजियम, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, ओके। हमारे पास वी हैव द सेकेंड लार्जेस्ट ड्राई फूड पार्क विच हैज़ टू बी एस्टेब्लिश, दैट इज प्रपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कि सेकेंड लार्जेस्ट ड्राई फूड पार्क बनेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ का सेकेंड लार्जेस्ट ड्राई फूड पार्क है वो कहाँ बनने वाला है, ठीक है। देन एवरीबडी नोज दैट कि इट इज बिगेस्ट टैमरिंड मार्केट ऑफ एशिया, सिर्फ इंडिया का नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, एशिया का है। टैमरिंड इमली खाते हैं ना, वो हो गया। या आपको अपने आप में पता होगा कि जगदलपुर इज़ अ लोकसभा सीट, और यहाँ ये जो बस्तर इज़ अ लोकसभा सीट जिसमें
आपका दीपक बैज जी आते हैं हमारे सांसद, ठीक है। अब फर्दर हमने जगदलपुर के बारे में सब चीज़ें देख लिया है। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, सिटी ऑफ स्क्वायर बोला जाता है इसको। इट इज़ इट्सल्फ अ नगर निगम, जीईसी जगदलपुर, जिसका नाम अब झाड़ा सिरहा बना दिया गया है। मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, जिसका नाम बलीराम कश्यप जी के नाम पे रखा गया है। बस्तर यूनिवर्सिटी है ऑन द नेम ऑफ शहीद महेंद्र कर्मा जी। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, बिगेस्ट टैमरिंड मार्केट, सेकेंड लार्जेस्ट ड्राई फूड पार्क यहाँ पे होगा एस्टेब्लिश, ठीक है। तो फर्दर हम लोग अब देखते हैं बस्तर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ बताया ना आपको कि ड्राई फूड पार्क सेकेंड बिगेस्ट यहाँ पे प्रपोज्ड है। तो मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? बागोद धमतरी में, याद रखना, करंट अफेयर में था अभी। एंड फर्दर जैसे ये आपका जगह गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, छत्तीसगढ़ में कितने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है? एक तो आपने यहाँ पढ़ लिया, हम टोटल तीन पढ़ेंगे। तो तीन टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में, और नौ मेडिकल कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ में। एक आपने पढ़ लिया है, ठीक है। 9 टोटल हैं, 3 टोटल हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। नाउ फर्दर वी विल स्टडी अबाउट बस्तर सिटी। तो बस्तर इट्सेल्फ सिटी, तो इट इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ ट्राइब्स, ऑल्सो कॉल्ड एज आइसलैंड ऑफ साल। ये क्वेश्चन है, पूछ देता है कि आइसलैंड ऑफ साल किसको बोलते हैं, लैंड ऑफ ट्राइब्स किसको बोलते हैं। आपको मैं पहले बता दिया, लोकसभा जो यहाँ से आते हैं वो दीपक बैज जी हैं। इस काकतिया चालुक्य डायनेस्टी के जो पहले किंग थे वो बस्तर से आया करते थे, ठीक है। बस्तर वॉज मेड कैपिटल बाय पुरुषोत्तम देव रथपति का, जिनको उपाधि मिला हुआ था। ही स्टार्टेड बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा के ऊपर लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि बस्तर दशहरा कितने दिन चलता है, वो 75 डेज चलता है। तो वो इसके ऊपर अब अंदर कहीं क्वेश्चन पूछना चाहे छत्तीसगढ़ में, अभी पैटर्न जो चेंज हो रहा है वो डीप जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जो CGPSE है। तो कैपिटल मेड बाई पुरुषोत्तम देव रथपति, ठीक है। ही स्टार्टेड द बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा जो 75 डेज चलता है। यहाँ पे आपको वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन आ सकता है वो गुंचा पर्व ऑल्सो स्टार्टेड बाई पुरुषोत्तम देव जी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं दलपत सागर पॉन्ड जो है छत्तीसगढ़, बिगेस्ट पॉन्ड ऑफ छत्तीसगढ़ वहां पे है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। शूटिंग एंड आर्चरी एकेडमी, देखिए जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एशिया। इट वॉज फर्स्ट साइट टू बी डिक्लेयर्ड एज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन एशिया, कांगेर वैली नेशनल पार्क, जो 1985 में हुआ था। बट करेंटली इट इज़ नॉट बीन इंक्लूडेड अंडर मैप प्रोग्राम। करेंटली ओनली अचानकमार जो है ना, अनूपपुर अचानकमार, दिस इज द ओनली साइट विच इज बीन इंक्लूडेड अंडर मैप प्रोजेक्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो अब कांगेर वैली कहीं अभी पूछेगा कि कांगेर वैली नेशनल पार्क मैप के अंदर आता है तो इट इज़ नॉट अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, प्रोग्राम। बट अगर ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ लेता है सर, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन में, कि इट इज़ द फर्स्ट साइट टू बी डिक्लेयर्ड एज मैप इन एशिया, ठीक है, तो आपको कहीं पूछता है फर्स्ट साइट इन एशिया भी, तो फर्स्ट साइट वही है। फर्दर हम देख सकते हैं, मैप हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसका बेसिक सीड एंड ट्रेनिंग सेंटर बस्तर में है, बेसिक सीड्स एंड ट्रेनिंग सेंटर। फर्दर सेंट्रल सिल्क बोर्ड इज ऑल्सो लोकेटेड हियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक और पूछा हुआ है कि टिकरा सॉइल कहाँ बिलोंग करता है, तो सॉइल फाउंड इन बस्तर इज कॉल्ड एज टिकरा, ठीक है। क्वेश्चन में आता है टिकरा सॉइल कहाँ फाउंड करता है, तो बस्तर में फाउंड करता है।
हमने यहाँ पे जगदलपुर देख लिया, क्वेश्चन हर एक जो पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ये जगदलपुर देख लिया हमने, बस्तर देख लिया, तो फर्दर हमने मोटा मोटी अब जो कि हमारा ये है बस्तर डिस्ट्रिक्ट एज अ डिस्ट्रिक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप शुरू से एक बार 2 मिनट का रिविजन देख सकते हैं, इसके बाद फिर हमने सुकमा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए, बस्तर 1948 में खुद एक बस्तर था, फिर 1998 में ये डिवाइड हुआ कांकेर और दंतेवाड़ा में, 2007 में फिर नारायणपुर नया डिस्ट्रिक्ट बनता है बस्तर के अंदर से, फिर फर्दर इन 2012 कुंडा गांव विच इज़ ऑन द नॉर्दर्न साइड बस्तर से टूट के बनता है। ठीक है, अब बस्तर से नाउ वी कैन सी दैट कि बस्तर से दो नदियां पास होती हैं, दैट इज़ इंद्रावती रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोरापुट उड़ीसा। ठीक है, कोरापुट उड़ीसा से ये ओरिजिनेट होता है एंड इट फ्लोज थ्रू द बस्तर, और ये इनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है नारंगी रिवर के साथ, वहाँ जहाँ नारंगी रिवर के साथ इसका कॉन्फ्लुएंस होता है, यू कैन सी देयर हम क्या देखते हैं नारायणपाल एक सिटी वहाँ पे पड़ती है जहाँ पे विष्णु जी का टेम्पल विच वॉज मेड बाय सोमेश्वर देव जी ऑफ छिंदक नाग डायनेस्टी। यहाँ पे एक विष्णु टेम्पल है एंड अ भद्रकाली टेम्पल ऑल्सो देयर सिचुएटेड देयर। ठीक है, यहाँ पे फिर बस्तानार देख लिया हमने, टोकापाल देख लिया, दरबा घाटी देख लिया जहाँ अब्रक मिलता है, कांगेर वैली नेशनल पार्क देख लिया, चित्रकूट देख लिया हमने, लोहंडीगुड़ा देख लिया हमने, मुंगा बहार बता दिया मैंने, कांगेर वैली सबरी की ट्रिब्यूटरी बता दिया मैंने, कांगेर की ट्रिब्यूटरी मैंने बता दिया आपको, मुंगा एंड बहार, मुंगा बहार में आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल सिचुएटेड है, तीरथगढ़ वाटरफॉल इज स्टेप वाइज वाटरफॉल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैजिशियन ऑफ बस्तर और तीरथगढ़, जो भी आप बोल सकते हैं। ये दो चीज़ें हमने देख ली, फिर कांगेर वैली नेशनल पार्क के ऊपर हमने मैप देख लिया, मैरन बायोस्फीयर रिजर्व देख लिया, कुटुम्बसर के स्टेलेगमाइट्स स्टेलेसाइट्स कैलाश गुफा, फर्दर हमने चित्रकूट के बारे में देख लिया कि इट चेंजेस इट्स कलर, सबरी रिवर, लोमनी देख लिया हमने, बर्ड सेंचुरी भैंसा दरहा देख लिया हमने, क्रोकोडाइल सेंचुरी, छत्तीसगढ़ जगदलपुर के बारे में हमने कॉलेजेस देख लिए, एंड आफ्टर दैट वी हैव सीन बस्तर, पुरुषोत्तम देव राय जी के बारे में देख लिया हमने कि गुंचा पर्व एंड एवरीथिंग अबाउट बस्तर दशहरा। सो फर्दर मोटा मोटी हमने बस्तर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की ओर, दैट इज सुकमा। ठीक है, सुकमा ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सुकमा आप लोगों ने हाल फिलहाल में 10-12 साल पहले खूब सुना होगा सुकमा का नाम, जब यहाँ पे अटैक हुआ था नक्सल अटैक। सो गाइस, पहले हम लोग एज यूजुअल हम ड्राइंग बना लेते हैं हमारा सुकमा डिस्ट्रिक्ट का। चलिए, तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट से हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे पहला काम है नेशनल हाईवे निकाल लेते हैं यहाँ से, नेशनल हाईवे, अरे सॉरी 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 गाइस, दिस इज द नेशनल हाईवे, सेकंड इज द नदी, सबरी नदी जो है ये उड़ीसा और सुकमा छत्तीसगढ़ के बीच में हमारा बॉर्डर बनाती हुई जाती है, तो ऐसा आप बना सकते हैं सबरी, और यहाँ से एक मलगेर रिवर आती है। ठीक है, मलगेर। चलिए, हमने रिवर भी बना लिया यहाँ पे, तो दिस इज सबरी रिवर, दिस इज मलगेर रिवर, ये आपका नेशनल हाईवे 30, ये वही नेशनल हाईवे 30 है जो हमारे साथ कांकेर से चलता आ रहा है ना, कांकेर से हमारे साथ नेशनल हाईवे 30 चालू हुआ, फिर कुंडागांव आए हम, कुंडागांव के बाद हम बस्तर आए हैं, बस्तर में हमको एक और नेशनल हाईवे मिलता है जो NH-63 दंतेवाड़ा लेके जाता है हमको, बस्तर के थ्रू हम सीधा जब नेशनल हाईवे 63 पे हम मुड़ जाते हैं तो हम दंतेवाड़ा की ओर चले जाते हैं, इफ वी कंटिन्यू विद द नेशनल हाईवे 30 हम सुकमा की ओर आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट नेशनल हाईवे 30 इज, यहां पे कहीं कटता है ऐसा नेशनल हाईवे 63 की ओर। अब आप देख सकते हैं सुकमा इज अ डिस्ट्रिक्ट, मैंने परसों जब आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, देन एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड एवरीबॉडी दैट सुकमा इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज हैविंग बाउंड्री विद 3 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो कौन कौन से 3 डिफरेंट स्टेट है, तेलंगाना, ठीक है, यहाँ दिस इज हियर वी हैव आंध्र प्रदेश, अगेन वी हैव हियर उड़ीसा, और यहाँ पे ऊपर में दंतेवाड़ा है छत्तीसगढ़, यहाँ ये पूरा छत्तीसगढ़ है दंतेवाड़ा।
यहीं से हम ऐसे आएंगे तो NH-63 आपको यहाँ लेके आता है, ठीक है। सो गाइज इतना हमने कर लिया है अभी तक। यहाँ पे आपको ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल हाईवे 30 एंड यहाँ पे मलगेर के पास हमको सुकमा मिलेगा। दिस इज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सुकमा, ठीक है। यहाँ पे आपको मलगेर इंदुल वाटरफॉल यू विल गेट मलगेर इंदुल वाटरफॉल हियर। अब यहाँ पे हमको सबरी रिवर के ऊपर दो अलग अलग वाटरफॉल मिलते हैं। एक होता है गुप्तेश्वर वाटरफॉल एंड द सेकेंड वन इज रानी दरहा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, रानी दरहा DARH दरहा, ठीक है। यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे मैं दे देता हूँ आप लोगों को, नोट है NOTE नोट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, रानी दरहा है यहाँ पे हमारे सुकमा में, दरहा और दहरा DAHRA दहरा एट कबीरधाम। रानी दहरा वाटरफॉल भी एक वाटरफॉल है, वो कबीरधाम में है। तो क्वेश्चन में कहीं आपको रानी दरहा पूछता है तो वो आपका आएगा सुकमा में, और दहरा पूछता है रानी दहरा तो आप कबीरधाम उसको आंसर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका फिर झीरम घाटी, जो आप लोग झीरम घाटी किस कारण जानते हैं, जहाँ पे कुछ साल पहले अटैक हुआ था, वही ये झीरम घाटी है। दिस इज व्हाट दैट झीरम घाटी इज। फर्दर NH-30 पे आपको पड़ता है छिंदगढ़। तीन ब्लॉक हैं, चार तहसील हैं सुकमा में, तो तीन ब्लॉक कौन कौन से हो जाते हैं वहाँ पे आपके पास, कोंटा सुकमा छिंदगढ़, और आप तहसील पढ़ते हैं तो कोंटा सुकमा छिंदगढ़ एंड गदिरस। तो यहाँ कोंटा द लास्ट तहसील कोंटा, और यहाँ पे आपको एक गदिरस। तो छिंदगढ़ सुकमा कोंटा गदिरस। छिंदगढ़ में आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गोबर बोहरानी पर्व, यहाँ पे 10 दिन का पर्व मनाया जाता है, दैट इज गोबर बोहरानी पर्व, 10 डेज चैत्र के महीने में मनाया जाता है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि गोबर बोरानी फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, सुकमा गोबर बोरानी फेस्टिवल कौन सी जगह मनाया जाता है, तो वहाँ पे छिंदगढ़। गोबर बोरानी फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो इट इज चैत्रा। कितने दिन मनाया जाता है, तो 10 डेज, ठीक है। ये चार से पाँच क्वेश्चन सिर्फ आप देख रहे होंगे, इसी से आ जा रहा है गोबर बोरानी पर्व से। फर्दर अब आप यहाँ पे हमने जितनी भी मैप पे चीज़ें देखनी थी हमने वो सारी चीज़ें देख ली हैं। आपको ये सबरी का मैंने बताया, इट इज़ अ डिवाइड बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, और ऑल्सो वी कैन कैल छत्तीसगढ़ के बदले हम लोग सुकमा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सुकमा, ये देखिए मैं यहाँ पे मैप में ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ सब चीज, बट यू हैव टू मेक योर नोट्स वेरी स्टेप बाय स्टेप वाइज। आप नीचे लिखते जाइए कि सबरी रिवर के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे सबरी रिवर के ऊपर पहला हमने बता दिया डिवाइड बिटवीन सुकमा एंड उड़ीसा। सेकेंड नोट आप लिख सकते हैं इसके ऊपर, इट इज ओनली वाटर वे ऑफ सीजी फ्रॉम सुकमा टू आंध्र प्रदेश। सबरी रिवर जो है यहां से आंध्र प्रदेश की ओर जाती है, ये सबरी रिवर वाटर डिवाइड बनाते हुए। तो इट इज द ओनली वाटर वे जिसमें ट्रेवल कर सकते हैं, सामान ले जाया जा सकता है, गुड्स ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर भी हमारे आता है। तो फर्दर हम लोगों को अब जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपने मोटा मोटी देख लिया, अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, टिन प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ इज फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट है पूरे इंडिया में, और ऑल्सो वी कैन से कि 100% टिन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया जो है इन इंडिया इज फ्रॉम सुकमा बट वी आर हैविंग सेकेंड हाइएस्ट रिजर्व ऑफ टिन, हैविंग सेकेंड हाइएस्ट रिजर्व ऑफ टिन, वी आर प्रोड्यूसिंग 100% टिन ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो है हमारे पास सेकेंड हाइएस्ट, अब कहाँ कहाँ टिन होता है, गोविंदपाल लिखते जाइए, गोविंद क्वेश्चन है पूछ सकता है, ये सब जगह का नाम किए किससे रिलेटेड है, यहाँ का इंपॉर्टेंस क्या, गोविंदपाल चित्तलनार मुंडताल
एंड द लास्ट वन इज कोंटा। चार जगह से टिन प्रोड्यूस होता है, तो टिन सिर्फ टिन सिर्फ इंडिया में दो जगह से प्रोड्यूस होता है, एक सुकमा है और दूसरा क्या है दंतेवाड़ा, याद रखिएगा। और मैक्सिमम प्रोडक्शन उसमें भी सुकमा से होता है। अब फर्दर यहाँ तक मोटा मोटी हो गया। अब एक आप नाम लिख लीजिए, रामा रामा एक जगह है, रामा राम। इट इज़ बिंग डेवलप्ड एज राम वगमन पथ। यहाँ पे आपका रामा राम फेयर होता है हर साल ऑर्गेनाइज ऑन ओकेशन ऑफ नवा खानी फेस्टिवल, ठीक है। अब द लास्ट वन, ये क्वेश्चन आ सकता है सुकमा के रिलेटेड एक है आपका, फर्स्ट साइंस पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। चलिए तो हमने बस्तर भी खत्म कर लिया, हमने सुकमा भी खत्म कर लिया। सुकमा फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। सुकमा में आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबरी रिवर फ्लो करती है और एक मलगेर रिवर फ्लो करती है। सबरी रिवर के जो है वो वाटर वो एक डिवाइड बनाती है सुकमा और उड़ीसा के बीच में, इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन सुकमा एंड उड़ीसा। इसके ऊपर इस पे हमारे सेकेंड इज इट इज़ ट्रांसपोर्टेबल बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड सबरी रिवर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच में। सुकमा इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, कोंटा एंड छिंदगढ़, दिस थ्री आर द ब्लॉक्स ऑफ सुकमा डिस्ट्रिक्ट और गदीरस इज अ तहसील। तो चार तहसील है यहाँ पे और तीन ब्लॉक हैं। छिंदगढ़ का इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ गोबर बोहरानी फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, जो कि 10 दिन का होता है, चैत्र में मनाया जाता है वो, ठीक है। इसके बाद घी छिंदवाड़ी ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका नीचे तेलंगाना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से घिराया हुआ है, एंड फ्रॉम वेस्टर्न साइड इट इज़ फ्रॉम दंतेवाड़ा। फर्दर यहाँ टिन का प्रोडक्शन होता है। सुकमा इज हैविंग सेकेंड हाइएस्ट रिजर्व्स ऑफ टिन इन इंडिया एंड इट प्रोड्यूसेस 100% टिन ऑफ इंडिया, बोथ दंतेवाड़ा एंड सुकमा इंक्लूडेड। अब यहाँ टिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, गोविंदपाल, चित्तलनार, मुंडाताल एंड कोंटा। फर्दर रामा रामा सिटी जो है, रामा रामा एक जगह जो है, इट इज़ बीन डेवलप्ड एज रामागमन पथ बाई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड रामा राम फेयर हर साल होता है वहाँ ऑन द ओकेशन ऑफ नवखाई फेस्टिवल। फर्स्ट साइंस ने जो पार्क था, फर्स्ट साइंस पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, ये यहाँ पे सुकमा में था। सो गाइस हमने आज देख लिया है बस्तर एंड सुकमा, बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स हमने पूरा डीप में पढ़ लिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ही ली है ऑलमोस्ट एंड बहुत सारी चीज़ें हमने थोड़ी मोड़ी छोटी छोड़ी भी हैं। उन चीज़ों को हम हर चीज़ कंपाइल करने की कोशिश करते रहेंगे तो हम एंड पे सब मगअप, कितना आप मग कर पाएंगे, मगअप नहीं कर पाएंगे आप, एट द एंड सब खिचड़ी बन जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। जितना हमने नोट्स प्रोवाइड किया है, दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर एनी व्यापम एग्जाम एंड एनी छत्तीसगढ़ PCS एग्जाम। सो गाइज डू मेक नोट्स और पढ़िए। चलिए, थैंक यू।